आप हजरत खानवादे आला हजरत की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जो लोग बेतरतीब हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इधर बैठे हैं वो भी सामने आ जाएं, और जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी थोड़ा सा करीब आ जाएं, एक माहौल बना लें ताकि हजरत आए तो उनको लगे कि हाँ वाकई में सब आशिकाने आला हजरत हैं। आ जाए वहां तो उठ करके इधर आ जाए, सामने आ गए जो पीछे बैठे हैं वो भी और आगे आ गए। अजीजाने ग्रामी मक्तुल मुकर्रमा है, आके करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ फरमा रहे हैं। इस हदीस को इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपने मुस्नद में दर्ज किया। आके करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ फरमा रहे हैं। एक आराबी शख्स है जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल और पढ़ा लिखा भी नहीं है। आराबी मुल्क अरब में उसे कहते हैं जो बद्दू होता है, जो अनपढ़ हुआ है। वो शख्स अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी काबे का तवाफ कर रहा है। पढ़े लिखे लोग हो और 60 साल उम्र पहुंच जाए तो अक्ल गायब हो जाती है, दिमागी संतुलन काम करना बंद कर देता है। वो तो अनपढ़ है, वो भी तवाफ कर रहा है। मेरे आका उसके पीछे पीछे तवाफ कर रहे हैं, वो आराबी शख्स आगे आगे तवाफ कर रहा है। और तवाफ करते हुए जान तो क्या पुकारता है, या करीम। अरे आप भी मोहब्बत से बोलो ना साथ में, या करीम। खुदा का नाम है और बुलंद आवाज से लीजिए, या करीम, या करीम। वो जब कहता है या करीम, उसकी आवाज में आवाज मिला करके मेरे आका फरमाते हैं या करीम, या करीम। फिर वो बद्दू शख्स कुछ कदम आगे चलता है काबे का तवाफ करते हुए, फिर वो कहता है या करीम, फिर मेरे आका इशारा फरमाते हैं या करीम। बोलो ना या करीम। बड़ी खामोशी के साथ आप हजरात नातो मंकल समाप्त कर रहे थे, हालांकि आने वाले मेहमानों की हौसला अफजाई करना चाहिए। आपके बच्चे नाच पढ़ रहे हैं तो उन्हें दाद देना चाहिए और कम से कम अपने नेकियों में इजाफा करना चाहिए। जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, धन्यवाद से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के नाम पर और तेजी के साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका तवाफ कर रहे हैं, वो आरबी भी तवाफ कर रहा है, पीछे मेरे आका है। जब वो तीसरी मर्तबा उसने पुकारा या करीम, तो मेरे आका ने भी पुकारा या करीम। जब कई मर्तबा यही अंदाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने मुलायका किया, समाप्त किया, तो जो मुड़ करके उसने देखा का ऐ नौजवान, तू मेरा मजाक उड़ाता है। अगर तेरा चेहरा इतना खूबसूरत ना होता, अगर तेरा कद इतना मोटा ना होता, मैं अपने नबी से तेरी शिकायत करता। लेकिन जानते हो मेरे आका ने क्या इशारा फरमाया मुस्कुरा करके, तुम भी तो मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान वाले भी बोलो सुभान अल्लाह, वाले भी बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा करके मेरे आका ने इशारा फरमाया कि तुमने अपने नबी को देखा भी, तुम अपने नबी को पहचानते भी हो। वो आरबी कहता है नहीं, मैंने अपने नबी को देखा तो नहीं, मैं अपने नबी को पहचानता तो नहीं हूँ। तो बोले फिर तुम मुसलमान कैसे हो गए, तुम ईमान वाले कैसे हो गए। वो आरबी कहता है ऐ नौजवान, मैंने अपने नबी के हुस्न के तस्कर सुन लिए है, मेरा दिल भरा गया है और मैंने कलमा पढ़ लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हो जाए दिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा, बोलो इसी नबी के नाम पर या रसूल अल्लाह। अभी आराबी और नबी के दरमियान गुफ्तगू हो ही रही है, मेरे आका फरमाते हैं ऐ आराबी, जिस पैगंबर की तुम बात कर रहे हो, जिस नबी की तुम बात कर रहे हो, वो नबी मैं ही हूँ। जिस नबी की बात कर रहे हो वो नबी मैं ही हूँ। अब सोचो जिसने मुस्तफा के हुस्न के तस्करे सुन रखे थे और वो ईमान ला लिया था, जब उसने देखा कि जिस नबी के मैंने हुस्न के तस्करे सुने हैं, उस नबी के चेहरे का दीदार मुझे सामने से हो रहा है, उस मस्ती के आलम में है, वजदे के आलम में खुशी में। आज हम अपने नबी की नाक सुनते हैं तो हमारा दिल मदीना मदीना, दिल बेचैन बेकरार हो जाता है। उस आराबी की कैफियत क्या रही होगी जो पैगंबर आजम के सामने खड़े होकर के अपने निगाहों से दीदार लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदाने गिरामी वो कहता है
जब मेरे आका ने इशारा फरमाया कि जिस नबी की तुम बात कर रहे हो वो नबी मैं ही हूँ, अभी आराबी और उनके दरमियान गुफ्तगू हो ही रही है, इतने में हजरत जिब्रील अलैहि सलाम को तस्लीम नाज़िल हुए और बरकत रिसालत मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। सलाम पर इतराज करते हैं, अभी तो आला हजरत ने लाखों सलाम के बजाय करोड़ों सलाम करोगे, एक सलाम के इतराज करोगे, अल्लाह की रहमत ये है कि करोड़ों अरबों जितने सलाम चाहो भेजो सब पहुंचेगा। जिब्रील क्या करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और इस आराबी के लिए पैगाम भेजा है, इस आराबी को बता दीजिए कि अल्लाह कल कयामत में इसके हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेगा। सुभान अल्लाह, कल कयामत अल्लाह तबारक व तआला इसके हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेगा। माशाल्लाह हजरत तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन आप हजरात यहीं पर बैठे रहे, थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला हजरत फारिग हो करके नाश्ता वगैरह करके स्टेज पर जल्द ही रौनक अफरोज होंगे। आप इधर देखें, अभी जब हजरत स्टेज पर आ जाएंगे तो आप उनको देखिएगा, मैं भी देखूंगा, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप इधर देखें, वहाँ पर स्टेज पर तो बोले सुभान अल्लाह, हजरत को भी तो लगे कि यहाँ का मजमा जीता जागता है, बेदारी का सबूत पेश कर रहा है, आप भी तो अपनी सुन्नियत का सबूत पेश करो, बस सुन्नी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते हैं, कम से कम वो तो बात ही रखो और वरना आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और इस आराबी के लिए पैगाम भेजा है कि कल कयामत में अल्लाह इसके हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेगा, लेकिन आज हमने इन चीजों को भुला दिया है, आज हम हमारा जो एहसास है वो मोटा हो चुका है, हमने ये भुला दिया है कि कल कयामत में सिर्फ उस आराबी का नहीं हमारा भी हिसाब है, हमसे भी हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब मिला, लेकिन आज मामला क्या है, आज माहौल क्या है, अभी दाने ग्रामी जो काम कर रहा है उसी को खींचा जा रहा है, एक इदारा है अफरे हिंद अल जामतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़, तारुफ का मोहताज नहीं है वो इदारा, हाफिज मिल्लत अली रहमत रिजवान का मजार पाक वहां पर है और हाफिज मिल्लत अली रहमत रिजवान इरशाद फरमाते हैं हर मुखालफत का जवाब काम, बेशक काम करो नाम खुद ब खुद हो जाए, लेकिन आज कल कुछ लोग नाम के लिए ना काम कर रहे हैं ना काम करने दे रहे हैं, एकदम हकीकत बात बता रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ उलमाए इकराम स्टेज पर मौजूद, मुफ्तियाने इकराम मौजूद है, हाफिज मिल्लत क्या इरशाद फरमाते हैं, काम करो नाम खुद ब खुद हो जाए, लेकिन नाम के लिए मरोगे तो कभी काम नहीं होगा, काम करो और जो शख्सियात आज काम कर रही हैं उन्हीं को घसीटा जा रहा है, बगैर किसी तस्दीक के बगैर किसी तस्दीक के जो हुक्म हो रहा है सुना दे रहे हैं, कल कयामत में हमारा भी हिसाब हो किताब होगा, हमसे भी छोटी बड़ी चीज का हिसाब किया जाएगा। हमारे भाई जानी हमारे बहुत ही अजीज दोस्त है और दोस्तों के साथ साथ एक बेहतरीन मुकर्रर भी है, एक आलिम भी है, एक मदरसे को कायम करने वाली शख्सियत हमारे भाई जानी है, जहाँ पर तमाम तालिबाने उल्म नबविया उल्म दीन के जेवर से मुजय्यन हो रहे हैं और बासलाहियत असातिज़ा वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इस पूरे इंकलाब में आज ये जो आप देख रहे हो इस औलिया नगर में बवलिया में जो हजरत तशरीफ लाए हैं ये इन्हीं हजरात की मोहब्बत है और इन्हीं की जो है करम फरमाइयां हैं जो आपके इस छोटे से जो है बस्ती में एक बड़ी शख्सियत तशरीफ लाई, बड़ी शख्सियत तशरीफ लाई है, ये सब इन्हीं हजरात की करम फरमाइयां हैं कि आज आप खानवादे आला हजरत की ज़ियारत करेंगे, लेकिन इतनी खामोशी तो नहीं करना चाहिए, बोलिए मोहब्बत से ज़बान पर, ये लोग काम कर रहे हैं, मुफ्ती शनवाज साहब काम कर रहे हैं, यहाँ तक मेरी जानकारी है और मैं एक जिम्मेदार खानका से जो है ताल्लुक रखने वाला हूँ, मैं किसी की चाबी नहीं करता और मैं किसी को देख करके तारीफ करता, मेरा जो सही जो है मूड होता है जो बात सच्ची होती है वही बयान करता है, अब ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनको खींचा जा रहा है, कौन लोग जो काम नहीं करते, काम करो नाम खुद ब खुद हो जाएगा, फरमाने हाफिज मिल्लत और खुदाने दीन ने यही किया है, काम किया है लेकिन आज मजार में भी है तो हकीकत मंदाने औलिया की है।